आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। बलरामपुर जिला के शंकरगढ़ में आज शाम विधायक श्री चिंतामणि महाराज शंकरगढ़ महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शंकरगढ़ महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री अमिताभ सिंह देवजी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी, सांसद प्रतिनिधि आशीष केसरी जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश पेंकरा जी, जनभागीदारी के अध्यक्ष हीरालाल यादव जी, महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती रश्मि पांडे, डॉक्टर पुनीत राय एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। इस वर्ष बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड राजेश पेंकरा और नेहा कश्यप को मिला। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का है, महाविद्यालय का नाम से जमीन नहीं है। अभी तहसीलदार को बुलवाया था, उनको बता दिया संभवतः सीमांकन 4-6 दिन में। विधायक जी, आज धान खरीदी का अंतिम दिन है, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया है, किसानों से आप मिले, किसानों ने किस प्रकार की समस्याएं बताई हैं इस बार? अभी जो शिकायत आ रहा है कि हमारा धान खरीदी नहीं हो, उसमें से कुछ तो किसान है, कुछ चोटों के कारण उनका धान नहीं ले पाए, लेकिन अब ज़्यादातर कोचिया लोग हैं जो किसानों को पकड़ करके ये बोल रहे हैं कि हमारा धान नहीं बिका है, उसमें ज़्यादातर कोचिया। एक सवाल और है विधायक जी, सहकारी बैंक खुलने वाला था शंकरगढ़ में, अभी तक खुला नहीं है, किसानों को अपना जो धान का पैसा 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहेंगे मार्च के बाद? विधायक जी, सामरी में एक बार फिर से नक्सली हमला हुआ है, दिन दहाड़े नक्सलियों 7 वाहनों को आग के हवाले किया है, क्या मानते हैं पुलिस का एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है सामरी में? नहीं, लापरवाही कहना तो उचित नहीं है, मैं तो कल वहाँ गया भी था। KSN 24 न्यूज़ के लिए बलरामपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।